नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रविवार की शाम सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के हमारे जो गेस्ट है ना, उन्हें किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है जी। अब मैं जितना भी उनके बारे में कहूँ शब्द जो है वो कम पड़ जाएंगे। मेरे बहुत ही खास है, मेंटर की तरह है। जब जब मैं उनसे मिला हूँ कुछ ना कुछ नई चीजें सीखा हूँ। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नन अदर देन हमारे शोभा प्रियो ब्योमकेश बख्शी, रजत कपूर। रजत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश, नमस्कार। रजत सर, जब जब आपके साथ मैंने बातें की है एक पॉजिटिविटी आई है, और जब जब मैं आपसे मिला हूँ काफी कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। इतने बिजी शेड्यूल में भी, अभी बहुत चीजों को लेकर आप बिजी हैं हम सब जानते हैं, लेकिन आपने वक्त दिया, अपने फैंस को वक्त दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। रईस सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक वक्त था जब आपके साथ बैठकर मैं इंटरव्यू किया करता था, अब थोड़ा न्यू नॉर्मल में सर हमें डिजिटली इंटरव्यू करना पड़ रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे ये लॉकडाउन का सफर और ये न्यू नॉर्मल का सफर, ये जो वक्त बीता है पिछले 5-6 महीने में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? टेक्नोलॉजी के ऊपर हम निर्भर हो गए हैं, इट्स डिफिकल्ट, बट लॉकडाउन में देखिए हर कोई काम कर रहा है। हम जूम पर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जी, स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप्स हमारे मेंटर यूके में उनके साथ कर रहे थे। शोज जो हमारे थे स्टेज पर, हमने एक दो शोज इस तरह जो कहानियों को लेकर है उनको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन शोज किए। सो यू नो देर आर सर्टेन चेंजेस, कुछ तब्दीलियां हैं, उन्हें स्वीकार करना भी जरूरी है, एंड यू नीड टू बी केयरफुल, सावधान रहो, लेकिन लाइफ गोज ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, एक न्यू नॉर्मल है, नए तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, और आशा है कि धीरे धीरे करके वक्त बदलेगा और हम सब नॉर्मल वे में हम सब कुछ होगा। और रईस सर एक बार फिर से कोलकाता आएंगे, उनके साथ फिर से हमारी ढेर सारी बातें होगी। लेकिन सर मैं अभी जानना चाहूंगा, जब आपको हमने पाया है तो ये शो का मेन मोटिव यही है कि थोड़ा सा और ज्यादा हम जाने अपने अपने फेवरेट एक्टर्स के बारे में। रईस सर, बचपन की कुछ बातें हमारे साथ अगर शेयर करें, पंजाब में जन्म हुआ, बहुत छोटे उम्र में आप मुंबई आ गए थे, तो शुरुआत कैसे हुई? मुझे तो ये भी खबर मिली है कि स्कूल डेज से ही आपने हिंदी नाटक लिखने भी शुरू कर दिए थे, तो सर अपने बारे में कुछ बचपन की कुछ चीजें बताएं जो ज्यादा आपने शेयर नहीं की है किसी के साथ। ऐसा है कि स्कूलिंग जो मेरी पाठशाला थी वो तो बंबई में थी, और जो हमारे असेंबली के प्रोग्राम्स होते थे ना, हर महीने एक क्लास को कुछ 10 मिनट का प्रोग्राम तैयार करना पड़ता था, तो उसमें तो हमेशा मैं हिस्सा लेता था, लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, एक्टिंग भी करते थे, तो एक तरह का ऐसी चीजों में मजा आने लगा। और फिर जब मजा आता है और आपको उस पर से शाबाशी भी मिलती है, तो फिर आपको लगता है कि ये वाकई आप कुछ सही कर रहे हो, अच्छा लग रहा है लोगों को। तो इसी तरह रंगमंच की शुरुआत या नौटंकीपन की शुरुआत वहीं पे हुई थी। ओके। तो सर शुरुआत हो गई, उसके बाद तो हमने देखा कि आपने आपने स्कूल डेज में आपने बहुत सारे नाटक लिख डाले, उसके बाद जब आप कॉलेज में गए तो वहां पे बहुत सारे प्लेज आपने किए, जैसे कि हम लव लेटर्स की अगर बातें करें, 20 इयर्स करीब करीब, उससे ज्यादा 30 इयर्स करीब करीब हो गए हैं अभी भी लव लेटर्स आप करते आए, तो थिएटर के प्रति रुचि आपकी हमेशा से थी और ये रहेगा कह सकते हैं हम? जी बिल्कुल। और फिर असेंबली, जो असेंबली में या क्लास प्लेज होते थे उनको छोड़कर एनुअल स्कूल प्ले होते थे, उसमें भी हिस्सा लेता था। जहां तक कॉलेज का सवाल है, तो जो 3 साल मेरे सिडनम कॉलेज में थे 82 to 85, तो वहां भी एक परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी थी विच वॉज मोर रिलेटेड टू डांस एंड म्यूजिक, उसका भी मतलब उसमें भी पार्टिसिपेशन था मेरा। फिर एक ड्रामेटिक सोसाइटी थी जो सिर्फ स्टेज और थिएटर को लेकर थी, वहां पर भी नए नए प्लेज वगैरह हम करते थे, और फिर मेरे फाइनल ईयर में आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी, और फिर हम दूसरे कॉलेज से भी कोलेबोरेशन वगैरह करते थे, एंड दैट्स हाउ वी डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले कॉल्ड द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, विच वॉज अ कोलेबोरेटिव वेंचर, यू नो, विद अनदर कॉलेज। ओके,
तो ये सर, ये प्लेस का सफर तो शुरू हो गया, थिएटर का सफर जो है वो शुरू हो गया। साथ ही साथ जब आपके साथ बातें हो रही है तो मूवीज की भी बातें होनी चाहिए। अगर हम सूरज का सातवां घोड़ा की बातें करें, अगर हम मेकिंग ऑफ महात्मा की बातें करें, बहुत ही अच्छी मूवी, साथ ही साथ ब्योमकेश बख्शी की तो बातें अगर करनी हम शुरू करें तो वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर 3-3 साल में मुझे लगता है कि डीडी नेशनल में दिखाया जाता है। इस लॉकडाउन के दौरान भी दिखाया गया, मैंने आपको मैसेज भी किया था सर। तो हम ब्योमकेश बख्शी से शुरू जी करते हैं सर, ये कैसे शुरू हुई थी, मुलाकात कैसे हुई बासु सर के साथ, और कैसे प्लानिंग की गई, और इतना बड़ा हिट शो हो गया, ये सीरियल हुआ मेगा सीरियल, कुछ बताना चाहेंगे जो लोगों को अभी तक दिल को छूता है? एक्चुअली मैं एक सीरियल कर रहा था युगांतर, जिसमें मैंने माइकल मधुसूदन का दत्त का जो रोल था उसे निभाया था। और उनकी जो टीम थी, सुजीत सेन जो उनके लेखक थे, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था। फिर शुभांकर घोष जो उनके डायरेक्टर थे, उन्होंने बासुदा को भी मेरा नाम दिया था। तो बासुदा ने तभी शायद उसके एक दो एपिसोड देखे और मुझे बुलाया। 10 मिनट बात हो गई और सब चीजें नक्की हो गई। उन्होंने क्या मुझे बात पूरी स्क्रिप्ट हाथ में दी। उन्होंने कहा कि मैं काफी देर से इन पर काम कर रहा हूँ, ये मैंने हिंदी में लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरी हिंदी इतनी साफ नहीं, तो इनको करेक्ट कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे अभी बता देना, सेट पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सो गो थ्रू ऑल द स्क्रिप्ट्स, लेट मी नो इफ देयर इज एनी एरर और मिस्टेक, एंड इट हैपेंड वेरी फास्ट एक्चुअली। तो सर मुझे बताना चाहेंगे, अभी भी जब मैं देखता हूँ ब्योमकेश बख्शी, जब मैं देखता हूँ लगता है कि शेरलॉक होम्स को मैं हिंदी में देख रहा हूँ, और इतना मजा आता है, प्योरिटी है उसमें, साफ सुथरी, इतनी अच्छी अच्छी कहानी थी। तो मुझे सर बताना चाहेंगे, ये आप क्या कहते हैं, इसके सक्सेस का राज क्या है ब्योमकेश बख्शी के? आई थिंक इसकी सक्सेस का राज इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी जो सरलता है, इसकी साधारणता है, वही इसकी सक्सेस का राज है। बिकॉज द स्टोरीज आर वेरी क्लियर, जी स्पष्ट, सिंपल, एंड दैट्स व्हाई इट वर्क। बिल्कुल, लोगों को पसंद आई, और अभी भी दिखाया जाता है और सभी देख रहे हैं, कोई भी जनरेशन के हो सभी को पसंद आती है ब्योमकेश बख्शी। तो सर हमें बताना चाहेंगे, मेकिंग ऑफ महात्मा में आपको नेशनल अवार्ड दिया गया, किताब आपको दिया गया, तो ये उसके बारे में कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जहां तक मेकिंग ऑफ महात्मा का सवाल है, एक्चुअली मैं मेन रोल नहीं निभा रहा था। एक रेवोल्यूशनरी का कैरेक्टर है काचल्या, मैं वो कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन श्याम बाबू का फोन आया, कहा कि ऑफिस आ जाओ, मेकअप टेस्ट है। तो मुझे तब भी लगा कि काचल्या का मेकअप टेस्ट होगा, जी लेकिन वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें, मेकअप के जो इंचार्ज थे हमारे सीनियर वहां पे विक्रम गायकवाड़, वो मेरे कान आगे पीछे करने लगे। मैंने कहा ये कौन सा मेकअप टेस्ट है? कह रहे नो नो, वी आर टेस्टिंग फॉर मोहनदास करमचंद गांधी कैरेक्टर। तभी ओ मुझे माय गॉड, एहसास हुआ कि आई एम बीइंग यू नो डूइंग अ मेकअप टेस्ट फॉर द टाइटल रोल। और 4-5 दिन के बाद श्याम बाबू का फोन आ गया, कह रहे हे माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग मोहनदास करमचंद गांधी, आके मुझसे वाह मिलो। मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझे किताब हाथ में दी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे सीखो। क्या बात है, क्या बात है। तो सर मुझे बताना चाहेंगे, इतने अच्छे अच्छे चैलेंजिंग रोल सर रजित सर आपने की है, तो एक अच्छे अच्छे एक्टर को, एक अच्छे रोल को निभाने के लिए क्या क्या करनी पड़ती है? जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ी, स्टडी की महात्मा गांधी के बारे में, बापू के बारे में, और ज्यादा चीजें जानी, तो एक अच्छे एक्टर की क्या क्वालिटी होती है सर? ऐसे कोई फिक्स चीज तो नहीं है अनिमेश, ये हर एक एक्टर पर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है, किस हद तक जी करना चाहता है, किस हद तक अपने आप को टटोलना चाहता है। मतलब ये भी जरूरी है, यू नो, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है हर एक रोल या किरदार के लिए कि उसकी जो जड़ है, जो मुद्दा है उस कैरेक्टर का, उसे समझना। अभी यहां जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, तो उसमें जो मेन चीज ये है कि जो 20 साल मोहनदास करमचंद गांधी ने बिताए साउथ अफ्रीका में, उनके अंदर उनका जो क्या कहते हैं अंतर्द्वंद, उनके अंदर जो कश्मकश था, जो
यू नो इनर कॉन्फ्लिक्ट था, उसे समझना और उसे जानना और पेश करना, तो पहले वो जड़ बहुत जरूरी है। बाकी चीजें जो है, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, वो अपनाई जा सकती है, सीखी जा सकती है। एक एक्टर को अपने आप को मतलब टटोलने की शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रेच करने की शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा रईस सर। और जब अच्छे एक्टर की बातें हो रही है तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है जो हर तरह के रोल कर पाता है। और सर लेकिन गुस्ताखी माँ के एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, बार बार देखो मैं, हमने पंडित जी को डांस करते हुए भी देखा सर। तो वो भी आना चाहिए, वो भी करना चाहिए, क्यों नहीं। तो सर कोई कोरियोग्राफर था कि आपने खुद कोरियोग्राफ किया था? कोरियोग्राफर ने मुझे थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया था कि ये है, ये करना है, हम इस तरह का शॉट ले रहे हैं, और बाकी मैंने उन्हें कह दिया कि बाकी फिर मुझ पर छोड़ दो, मुझे भी तो कुछ करने दो। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा था, वो भी एक नया रूप आपका हमने देखा, और एज एन एक्टर तो आप हम सबके फेवरेट हो, और बार बार देखा में भी काफी अच्छा लगा आपको देखकर उस नए अंदाज में। तो रईस सर मैं जानना चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि ये जो न्यू नॉर्मल में अब सब कुछ खुल रहे हैं, कोलकाता में भी थिएटर जो है वो खुल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कितना वक्त और लग जाएगा और कैसे अब इंडस्ट्री चलने वाली है आने वाले कुछ महीने तक? देखिए मुश्किलें तो हैं और होने वाली हैं, इनका सामना करना जरूरी है। हमें ये एहसास, एक दूसरे को एहसास दिलाना है कि क्या जरूरी है। आज अगर आप सोचे जो पिछले 6 महीने में हुआ है, इससे हमें एहसास हो जाता है कि छोटी सी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं, जरूरी हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रायोरिटीज आर एंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। तो मेरे लिए तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अपने समय का सदुपयोग करना मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं और हमें थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। रईस सर जो लोग आपको देख रहे हैं बहुत लो भी फील कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज आएगा, उन सभी को क्या करना चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए? आई थिंक यू हैव टू फर्स्टली रिमूव नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, और यू नो समटाइम्स अंडरस्टैंड द प्लेजर इन स्मॉल थिंग्स। चाहे आप अपने फूल यू नो पौधों को पानी दे रहे हैं या रोटी बना रहे हैं, इन छोटी छोटी चीजों की खुशी का एहसास होना चाहिए हमें, बिकॉज हम कहते हैं ना हर एक दाना जो होता है इट काउंट्स, एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर, एवरी ग्रेन ऑफ सैंड मेक्स द ब्यूटियस ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए और इस वक्त हमें पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है। रईस सर थैंक यू सो मच, एक बहुत ही प्यारा सा ये इंटरव्यू था, बहुत कुछ जानने को मिला। मैं चाहूंगा कि सब कुछ नॉर्मल हो, एक बार फिर से आपके साथ बातें हो, ढेर सारी बातें और भी हम करेंगे, आप हमेशा से हम सबके फेवरेट हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, एंड यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे नन अदर देन हम सबके फेवरेट, थैंक यू अनिमेश, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। रजित सर हमारे साथ थे जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी बिल्कुल लाइव ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम, रविवार की शाम सितारों के नाम, रजित कपूर थे हमारे आज के गेस्ट है। वेल नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द एक नए सेलिब्रिटी के साथ आपकी मुलाकात में कराऊंगा, तब तक ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।